55 इंच की ताकत आएगा तो मोदी ही चाहे 1500 रुपया लीटर हो जाए तेल। कोई मोदी के आगे बोल सकता है क्या? ये सब देख देख के हम थक चुके हैं। एक का मतलब 100,000 लाएंगे चाइना के सामने। ये सारी बीजेपी ऐसे हो गई। अब देखिए चाइना ने भारत को कितनी तरफ से घेरा है, पता है ना कहाँ कहाँ मौजूद है? चलिए छोड़िए, इतना नहीं पता तो अब नया सुन लीजिए। पहले नई खबर यह है कि जो गोदी मीडिया के अखबारों में छप गई है, भाई साहब अंडमान निकोबार का जो हमारा द्वीप है वो भी खतरे में आ गया है। सीधी खबर आपकी स्क्रीन पर, नव भारत टाइम्स का सिर्फ टाइटल पढ़ लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। ये हिंदूवादी अखबार साफ क्लियर लिख रहा है, भारत की नाक के नीचे बनकर तैयार हुआ चीन का नया विदेशी सैन्य अड्डा, अंडमान निकोबार को खतरा। ये गोदी मीडिया के अखबार हिंदूवादी अखबार ने लिखा है। इमेज पर आप देख लीजिए, चीन ने बनाया एक नौसैनिक अड्डा। अब आपके सामने इंटरनेशनल रिपोर्ट, यह है नेवल न्यूज, ठीक है। इसके अंदर सैटेलाइट के जरिए बताया गया है कि कितना बड़ा, ये सैटेलाइट इमेज देख लीजिए, कितना बड़ा नौसेना का अड्डा है चाइना का। ये अब तक का कंबोडिया में सबसे बड़ा नेवल बेस है। याद रखिएगा बच्चों, नेवल बेस चीन का सबसे बड़ा अगर कहीं है तो कंबोडिया में है। इसकी वजह से भारत के अंडमान निकोबार को बड़ा खतरा हो गया है। ये खतरा इसलिए है क्योंकि ये बेस चीन का सबसे बड़ा है। यहाँ पर सबमरीन तैनात करने के लिए अंडरग्राउंड सुरंग है, बड़े बड़े वॉरशिप को रोकने के लिए बड़े बड़े हैंगर्स हैं। इसके अलावा वहीं पर जो नेवल बेस पर काम करने वाले लोग होंगे उनके बिल्डिंग मकान घर वहीं हैं। वहीं पर समुद्र के तट पर एक बड़ा सा सूखा एरिया बनाया गया है जहां वॉरशिप को, जहां युद्धपोत को, जहां सबमरीन को लाकर रखा जाएगा और वहां रिपेयर भी किया जाएगा, उसको ठीक भी किया जाएगा। तो चाइना का सबसे बड़ा नेवल बेस चोरी चोरी बनकर तैयार हो चुका है कंबोडिया में, जिससे भारत के लिए अब यह बड़ा खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों नव भारत टाइम्स का यह पैराग्राफ खुद पढ़ लीजिए। देखिए नव भारत टाइम्स ने खुद बताया है कि कंबोडिया में चीनी अड्डे से भारत को खतरा कैसे है। कंबोडिया का रिम नौसैनिक अड्डा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सिर्फ 1200 किलोमीटर दूर है। ऐसे में चीन अपने शक्तिशाली रडार के जरिए भारत के अंडमान की जासूसी कर सकता है। इतना ही नहीं, चाइनीज नौसेना इस नौसैनिक अड्डे से मलक्का जलडमरू मध्य के जरिए पहले की तुलना में और अधिक तेजी से हिंद महासागर के अंदर घुस सकती है। कंबोडिया के इस बंदरगाह के पास से ही थाईलैंड का क्रॉ कनाल परियोजना का काम चल रहा है। अगर थाईलैंड ये परियोजना यानी प्रोजेक्ट जल्दी से कंप्लीट कर लेता है और सफल हो जाता है तो चाइना को हिंद महासागर तक पहुंचने का एक और आसान रास्ता मिल जाएगा। इससे हिंद महासागर में भारत के हितों को खतरा हो सकता है। है ना कमाल की बात? ये मेरे अब्बा के अखबार में नहीं, ये उन्हीं के बाप के अखबार में लिखा हुआ है। बोल दो तुम गद्दार, सच बोल दो गद्दार, गू खा के इनके साथ नारा लगा लो तो भाई ये देशभक्त है। सच बोल दो, इनके मुंह पे हक दो, ये तो गद्दार है। नव भारत टाइम्स को गद्दार घोषित करो जल्दी से, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को गद्दार घोषित करो जल्दी। चाइना फिलीपींस से भी पंगेबाजी ले ही रहा है, जिसकी वजह से फिलीपींस ने जापान से हाथ मिला लिया है। जापान और फिलीपींस ने एग्रीमेंट कर लिया है, हम दोनों एक दूसरे के देश में अपनी अपनी सेना तैनात करेंगे चीन के खिलाफ। थाईलैंड और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट था जिसके मुताबिक थाईलैंड की पुलिस के साथ चीन की पुलिस भी साथ मिलकर गश्त करती थी और घूमती थी। तो थाईलैंड की जनता इस पर बुरी तरह से भड़क गई और थाईलैंड की जनता के भारी विरोध के बाद ये एग्रीमेंट खत्म कर दिया है थाईलैंड ने। अब चीन की पुलिस जो है थाईलैंड की पुलिस के साथ नहीं घूमती। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई, बाइडेन ने शी जिनपिंग से मुलाकात कर ली।
ये देख लीजिए अमेरिका के कैलिफोर्निया की ये ताजा तस्वीर, ऐतिहासिक तस्वीर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बाइडन ऐसे मिले जैसे मतलब एकदम रिश्तेदार और खालू का लड़का है। जी हाँ, और इस अमेरिका के मुलाकात के बाद दोनों की तेवरियों में काफ़ी नरमी पैदा हुई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ तौर से कहा कि हम दोनों देश अगर भिड़ते हैं, लड़ते हैं, तो नुकसान हम दोनों को ही होगा और ऐसा बड़ा नुकसान होगा कि हम दोनों ही नहीं झेल पाएंगे। साथ ही हमारा नुकसान हर तरह से होगा, तो बेहतर यही है कि हम अपने रिश्तों को ठीक करें। वहीं दोस्तों बात चाइना की हो रही है तो एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि चाइना की आर्मी में दिक्कत हो रही है। चाइना अपनी आर्मी में खतरनाक बिल्कुल हाई लेवल के स्किल वाले सैनिकों को शामिल करना चाहता है, लेकिन ऐसे चाइना के नौजवान मिल नहीं रहे हैं उसे। उधर नेपाल ने बहुत बढ़िया काम कर दिया, नेपाल ने चाइना की दुकान टिकटॉक को बैन कर दिया। अब वहाँ कुछ लोग जो हैं निकलेंगे नौकरी वोकरी करेंगे, वरना जारी जारी ले रहे हैं, यही चल रहा होता है भाई साहब। अल्लाह का शुक्र है यहाँ से बैन हो गया, लेकिन सारे छपरी पर इंस्टाग्राम पे आ गए और इंस्टाग्राम पे आके वो भी यही गन मचा रहे हैं। अब भाई माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा गुस्से में इधर तो निकल जाता हूँ। कम टू द पॉइंट दोस्तों, भारतीय सेना रेड अलर्ट पर है। क्यों? मुंबई के बेहद करीबी इलाके में, मतलब मुंबई के अंदर नहीं भैया, बॉर्डर के उस तरफ, पाकिस्तान और चाइना मिलकर खतरनाक ड्रिल कर रहे हैं। भारतीय सेना की नेवी जो है वो पूरी तरह से रेड अलर्ट पर है। सबसोनिक स्पीड वाली हमारी खतरनाक निर्भया मिसाइल, जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, भारत उसको जल्द हमारे तीनों सेना को सौंप देगा। जिस मिसाइल को हमारी भारतीय कंपनी, भारतीय सरकारी एजेंसी DRDO ने ही खुद बनाया है। दोस्तों उधर भारत और रूस की डील हो गई है, भारत रूसी ड्रोन को असेंबल करेगा। सासा नाम की कंपनी के ये ड्रोन भारत खुद असेंबल करेगा। यहाँ क्लियर कर दूँ, वो हथियार वाले ड्रोन नहीं, ये सिविलियन वाले ड्रोन हैं, यानी जिसमें कैमरा लगा हुआ होता है और सिर्फ शूट के लिए इस्तेमाल होता है। भारत को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की ज़रूरत थी। रशिया के पास एगला नाम की खतरनाक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं दे रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने मना लिया है। जैसे तैसे मनाया, लेकिन मना लिया है, और व्लादिमीर पुतिन की सरकार मान गई है, भारत को GLA क्लास की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जल्द मिल जाएगी। दुबई में एयर शो हुआ, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने अपना फाइटर जेट दिखाया। रूस ने अपना SU-57 टॉप मोस्ट 5th जनरेशन का फाइटर जेट दिखाया। भारत भी इतना इम्प्रेस हुआ, भारत भी इसमें शामिल हो गया। अब भारत, UAE और रशिया मिलकर रशिया का सबसे खतरनाक 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाएंगे, रशिया, UAE और भारत। बहरहाल दोस्तों फिर आऊंगा अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के साथ, आज फिर से इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।